अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जीरक और आप देख रहे हैं जिंदाबी जीरक। कैसे मेरे सब दोस्त। आज की वीडियो एक क्विक वीडियो। एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि यार हम स्टेरॉइड्स को मिक्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भाई हम कौन कौन से कंपाउंड को आपस में मिक्स करके यूज कर सकते हैं और कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे कि हम कौन कौन से स्टेरॉइड्स को आपस में मिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों जितने भी ऑयल बेस्ड स्टेरॉइड्स होते हैं आप उन सबको मिक्स करके यूज कर सकते हैं, एक से ज्यादा कंपाउंड को मिक्स करके लगा सकते हैं। रही बात वाटर बेस्ड स्टेरॉइड्स की, जैसे कि विंस्टोल होता है, उसको आप किसी भी और दूसरे कंपाउंड के साथ मिक्स करके नहीं लगा सकते। उसको आपको हमेशा अकेला ही यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूज कर रहे हैं डेगर डस्टा की साइकिल विंस्टोल के साथ कर रहे हैं, तो जो विंस्टोल है वो उसको आप सेपरेटली इंजेक्ट करेंगे अलहदा से बिल्कुल भर के, जबकि दूसरी तरफ से आप डेका और टेस्टा को मिक्स करके यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जितने कंपाउंड आ जाते हैं ऑयल बेस, डेका है, टेस्टा है, टेस्ट एरेंथेट, साइपोनेट है, इसके अलावा प्रीमाबोलान है, बोल्डिनोन है, ट्रेम्बलोन है, आप इनको आपस में मिक्स करके यूज कर सकते हैं एक सिरिंज के अंदर। लेकिन अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस आपको कभी भी दो कंपाउंड से ज्यादा जो है वो मिक्स करके नहीं लगाने चाहिए, वो आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा। और वैसे भी ये ऑयल बेस्ड होते हैं, ये आपको बना देंगे पीछे पकाना या जहां पर भी आप लगाएंगे वहां से आपको फुला देंगे ये। इसलिए आपने कोशिश करना है कि आपने दो से ज्यादा कंपाउंड को मिक्स करके बिल्कुल नहीं लगाना, वो आपके लिए एब्सेस जो होता है उसके चांसेस को बढ़ा देता है कि वो आपके इंजेक्शन स्पॉट पे जो है एब्सेस बन जाए। तीसरा पॉइंट, आपने एक और बात का ख्याल रखना है, आपने कोशिश करनी है कि आपने कभी भी जो है अपनी सिरिंज को 2 ml से ज्यादा कंपाउंड से नहीं भरना। आपने कोशिश करनी कि आपकी जो सिरिंज है वो हमेशा 2 ml या इससे कम कंपाउंड को ही कैरी करती हो। और वैसे भी मेरे ख्याल से जब आप दो कंपाउंड्स को मिक्स करके यूज करेंगे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी 2 ml से ज्यादा कंपाउंड को सिरिंज में कैरी करने की। लेकिन फिर भी ये होते हैं ऑयल बेस्ड स्टेरॉइड, अगर आप इनको आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इंजेक्ट कर देंगे तो भाई वहां पर दोबारा से एब्सेस होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और एंड भी आपने कोशिश करनी है कि आप हाइजीन का ख्याल खास तौर पर रखें इंजेक्शन लगाने से पहले, और इंजेक्शन लगाने के बाद जो स्पॉट होगा वहां पर अच्छी तरह से अल्कोहल स्वैप का इस्तेमाल करें। इसके बाद अगर मजीद प्रिकॉशंस की बात की जाए कि आप मजीद कौन से प्रिकॉशंस हैं जो अप्लाई कर सकते हैं जिसकी वजह से आप अपने स्टेरॉइड साइकिल के नुकसान तो कम कर सकते हैं, तो उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, दो वीडियोस बनाई हुई हैं, उन दोनों का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं, वो आप जाकर देख लें और उसको फॉलो कर लें। तो दोस्तों मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, होप यू लाइक द वीडियो। अगर मेरे कंटेंट को आप करते हैं पसंद तो मेरे कंटेंट को शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसको मोनेटाइज करवा दें। आप लोगों के हाथों में है, इसको बार बार देखें, गौर से देखें, पूरा देखें और गौर से देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।